बिहार के बेगूसराय में लोक सेवा आयोग से चयनित एक अधिकारी पर पत्नी को दहेज के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगा है। पत्नी की शिकायत पर रुपेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि रुपेश कुमार ने अपनी पत्नी से गाड़ी और रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया। रुपेश कुमार की पत्नी निधि कुमारी ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट करने का मामला बलिया थाना में फरवरी 2022 को दर्ज कराया है। जांच के बाद पुलिस ने लखीसराय जिले से सरकारी आवास से रुपेश कुमार को गिरफ्तार किया है। घटना के मुताबिक बलिया थाना क्षेत्र के राहतपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार की पुत्री निधि कुमारी की शादी 4 मार्च 2020 को सारण छपरा जिले के निवासी रुपेश कुमार शर्मा के साथ धूमधाम से की गई थी। पत्नी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति के परिवार वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पीड़िता का कहना है कि शादी के समय उनके पिता ने 30 लाख रुपए दिए थे, साथ ही लाखों के गिफ्ट्स। उसके बाद भी रुपेश अपनी पत्नी से और पैसे की मांग करने लगा। पैसे नहीं मिलने की स्थिति में वह पत्नी को शारीरिक रूप से टॉर्चर करने लगा, जिसके बाद पत्नी निधि ने रुपेश कुमार के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। इस बीच पुलिस को यह भी पता चला कि रुपेश पैसे के लिए पहले भी एक शादी कर चुका है, जिसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। रुपेश कुमार का कहना है कि उसकी पहली शादी हुई थी और उसकी एक बेटी भी है, जिसे वो अपने पास रखने के लिए भी तैयार थे। मामला कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से वह बरी भी हो गया है, जिसके बाद निधि कुमारी से शादी हुई है। और जो प्रताड़ना का आरोप है वह गलत है, ना तो उसकी शादी अवैध है और ना ही वह दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इस संबंध में मामला के अनुसंधानकर्ता मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि दहेज प्रताड़ना का केस में वरीय पदाधिकारी के आदेश पर गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में मामले के अनुसंधानकर्ता मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि दहेज प्रताड़ना का केस में वरीय पदाधिकारी के आदेश पर गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।